Hello guys, welcome to all of you in the session of programming. So we just starting a very important session. It's called the pointers in C. So all of you are comfortable, or all of you just feel very difficult concept in pointers? तो जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो आपको आसान लगता है या डिफिकल्ट लगता है या मॉडरेटली लगता है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है आपको? तो मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सभी लोगों को, पॉइंटर्स इन सी। तो थोड़ा सा मैं पीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बिल्कुल एक आपको लाइव वो फील देने वाला हूँ क्लास का, जस्ट लाइक मैं कॉपी पेन पर यूज कर रहा हूँ तो आपको और फील आएगा उसका, तो बोर्ड जैसा फील आएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू द सम डिजिटल पैड एंड एट ऑल। सो अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर टुडे इज बेस्ड ऑन टोटली ऑन पॉइंटर्स। ओके, सो द सेशन इज टोटली गोइंग ऑन द पॉइंटर्स। तो हम कर क्या रहे हैं, पॉइंटर्स की स्टडी करेंगे, पॉइंटर्स हमारे सी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, पॉइंटर्स क्यों हमारे सी लैंग्वेज के लिए जरूरी है। तो अब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि सारी सी पढ़ने के बाद आपके पास जो रह जाता है वो बस पॉइंटर्स ही नहीं आता है। आपको सी में आता है, लूप आता है, एफएल्स आता है, सब कुछ आता है, आपको पॉइंटर्स नहीं आता। तो ये कि इंपॉर्टेंट चीज निकल के यहाँ से आ जाती है। तो अब ऐसा हम पॉइंटर के बारे में अगर हम समझेंगे पूरा डिटेल तो आपको पॉइंटर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास ऑलरेडी करके रखी हुई है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स ने नए होंगे उनके लिए सारी चीज़ नहीं होगी। तो मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा क्लास करके रखा हुआ है वो आराम से अपना प्रेजेंसी रिवाइज करें और सारी चीज़ों को पूछें, अपने और डाउट्स पूछें, और बहुत सारी चीज़ें जो उनके मन में आ रही हैं वो एक एक करके सारा पूछें। हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस पूरे सेशन में हम आपकी कोडिंग स्किल को डेवलप करेंगे। तो जहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होंगे उन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को हम रिजॉल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंटर, स्ट्रिंग, रिकर्सन, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग, मैक्रोज। तो हम इन सब टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे, जो टॉपिक्स जनरली आपको बहुत टफ लगते हैं और जो आप छोड़ देते हैं। तो आज के सेशन को अटेंड करने के बाद ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपको पॉइंटर्स में कितना कमांड आ गया। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको पॉइंटर्स की कोई भी प्रॉब्लम फंसा नहीं सकती। अब वो पॉइंटर्स कहीं भी इन्वॉल्व होगा, आप आसानी से पॉइंटर्स को कर ले जाओ। तो मैं पॉइंटर्स का कोड लिखने जा रहा हूँ, तो सारे लोग मुझे मैसेज करें कि क्या उनको विजिबिलिटी आ रही है, मेरे जो मैं लिख रहा हूँ उसकी विजिबिलिटी बन पा रही है, प्लस जो मैं ऑडियो दे रहा हूँ, ऑडियो वॉइस है जो वो ऑडिबल है कि नहीं है। तो प्लीज टेक्स्ट करें, मैसेज करें, आई एम रीडिंग योर मैसेज करेंटली इन लैपटॉप एंड so I'm writing a code. Main int x equal to 10, है ना? Visibility आप बताते रहना कि visibility का क्या है, तो वो मेरे लिए बहुत important चीज है। Address of x, and now कुछ लोगों ने क्लास करके रखी हुई है तो आराम से रिवाइज करें अपने कॉन्सेप्ट को। मैंने मोस्टली जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने के लिए ये प्लान किया था, और जो पुराने बच्चे होंगे उनको आगे चल के बहुत कुछ नया मिलेगा। तो इट इज विजिबल एवरीबडी, इट इज विजिबल और वॉइस इज ऑडिबल। सो देयर इज ए प्रोग्राम is called main int x equal to 10 int star p equal to address of x printf percent d star p। एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ तो सी लैंग्वेज का सबसे बेसिक कोड लिखा हुआ है, पॉइंटर का सबसे बेसिक कोड लिखा हुआ है। जरा अब इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। सो जस्ट रीस्टार्ट द कोड लाइन बाय लाइन। सो कम टू द फर्स्ट लाइन, int x equal to 10। तो सिंपल सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आपको कोई वेरिएबल मिले तो उस वेरिएबल के लिए एक घर बना दो आप। तो उस वेरिएबल का आपने घर बनाया,
इस घर को हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो उस वेरिएबल के लिए x के लिए आपने एक घर बना दिया, तो x के लिए आपने एक घर बना दिया और x का एड्रेस जो है वो 1000 रखा। अब आपने कहा सर ये इस चीज दो चीजें कैसे आ गई, दो चीजें इसलिए आ गई क्योंकि ये रहा आपका वेरिएबल नेम x और ये रहा उसका एड्रेस। तो किसी भी घर का नाम भी होता है और उसका एड्रेस भी होता है, किसी भी एंटिटी का उसका नाम भी होता है, एंटिटी का एड्रेस भी होता है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये बॉक्स, ये घर हमारा बन गया। घर में रहने वाला कौन है, घर में रहने वाला 10 है, तो 10 को हमने रख दिया। तो एक घर पूरा बन के तैयार हो गया। अब हम दोस्तों आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरे स्टेटमेंट पे जैसे ही हम आए तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है int star p equal to address of x। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, p। और p दोस्तों क्या है, p है एक वेरिएबल। तो p एक वेरिएबल है, तो हर वेरिएबल के लिए घर बनाना होता है। तो आपने फिर से एक नया घर बनाया और उस नए घर का नाम दिया p। और लोगों ने ये कर रखा हुआ है, लेकिन मैं नए लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुराने लोगों को थोड़ी देर बाद कुछ नया पता लगेगा। तो p के लिए घर बना दिया, तो घर का एक एड्रेस भी होगा, घर का एड्रेस आपने दे दिया 2000। अब आपने देखा कि p पर स्टार लगा हुआ है। p पर स्टार का मतलब क्या हुआ कि p एक स्पेशल घर है, p का घर स्पेशल है, यानी इसमें हर कोई नहीं रह सकता, थोड़े VIP लोग रहेंगे। तो p का घर स्पेशल है वो पता लगा आपको इस स्टार से। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर रखा जा रहा है एड्रेस ऑफ x। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ x कितना है, x का जो एड्रेस है वो 1000 है। 1000 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, 1000 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही आपने 1000 दोस्तों यहाँ पे पुट किया, पॉइंटर का रूल नंबर वन, पॉइंटर का रूल नंबर वन, पॉइंटर का रूल नंबर वन क्या है, पॉइंटर का रूल नंबर वन, पॉइंटर का रूल नंबर वन होता है कि जब भी आप एड्रेस स्टोर करोगे उस एड्रेस को बोलोगे दोस्तों लोकल एड्रेस, और जहां पर वो एड्रेस लिखा होगा दोस्तों उसको बोलोगे एक्चुअल एड्रेस। तो लोकल एड्रेस से एक्चुअल एड्रेस की तरफ एक एरो क्रिएट करोगे, तो लोकल एड्रेस से एक्चुअल एड्रेस की तरफ एक एरो क्रिएट करोगे। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंटर रूल नंबर वन, क्रिएट एरो लोकल टू एक्चुअल एड्रेस, क्रिएट एरो ना लोकल टू एक्चुअल एड्रेस। तो इस तरीके से आपने ये क्रिएशन किया। अब आपने ये कहा कि सर ये वाला स्टेटमेंट तो ओवर हो गया, इंट स्टार पी एड्रेस ऑफ एक्स। अब जरा प्रिंट है परसेंट डी पर आते हैं, परसेंट डी स्टार पी लगा हुआ है। स्टार पी में सबसे पहले कौन रीड होगा, ऑपरेंड, क्योंकि पी ऑपरेंड है, स्टार ऑपरेटर है। तो पी का मतलब दोस्तों क्या हुआ, पी का मतलब फ्रेंड्स हुआ, उसके अंदर वैल्यू। तो पी के अंदर वैल्यू दोस्तों कितनी है, पी के अंदर वैल्यू है दोस्तों 1000। अब ये 1000 लोकल है या एक्चुअल, ये आपको देखनी पड़ेगी। तो ये 1000 दोस्तों लोकल है, अगर ये 1000 लोकल है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, एक्चुअल पर जाना पड़ेगा। तो हम एक्चुअल पर आ गए, तो हम एक्चुअल पर आके खड़े हो गए और एक्चुअल पर हमने दोस्तों लगा लिया डॉट, टारगेट। इस डॉट को बोल रहा हूँ मैं टारगेट, कि हमें मिसाइल कहाँ हिट करनी है ना, हमें हमारा टारगेट कहाँ है। तो हमारा टारगेट ये एक्चुअल वाला एड्रेस रहा। तो हमारा ये जो 1000 है ये एक्चुअल वाला एड्रेस रहा। हम अपने बाकायदा बढ़िया अपने घूमते हुए अपने एड्रेस पर आ गए हैं, घूमते हुए अपने एड्रेस पर आ गए हैं, हमको अपनी जगह मिल गई है। अब हमारे पास मिला स्टार, तो जैसे ही दोस्तों मिला स्टार, अब हम लिखेंगे पॉइंटर का रूल नंबर टू स्टार। स्टार का अगर आप पर्पस समझोगे तो स्टार का पर्पस होता है दोस्तों केवल एक चीज, उसको बोलते हैं मूव आउटसाइड टू इनसाइड, मूव आउटसाइड टू। सारे लोग लिखते भी चले आउटसाइड टू इनसाइड, मूव आउटसाइड टू इनसाइड। ये दोस्तों इसका सिंपल सा काम है। स्टार का मतलब कुछ और है ही नहीं, स्टार का सिंपल मतलब दोस्तों ये है कि मूव आउटसाइड टू इनसाइड, ये ध्यान रखना ठीक है स्टार को। तो जैसे ही अपने आपने अपने टारगेट में स्टार लगाया, डॉट का मतलब टारगेट, जैसे ही स्टार लगाया तो मूव आउटसाइड टू इनसाइड दोस्तों कितना मिला, मुझे टेक्स्ट करें जरा। जैसे ही आपने स्टार लगाया मूव आउटसाइड टू इनसाइड हुए, जैसे ही आपने स्टार लगाया मूव आउटसाइड टू इनसाइड हुए, आपको कितना मिला, आपकी मुलाकात किससे हुई, जरा मुझे टेक्स्ट करें तो मुझे आंसर पता लगेगा आपका, मुझे आंसर पता लगेगा आपका, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। जैसे ही आपने स्टार लगाया तो मूव आउटसाइड टू इनसाइड हुआ, और मूव आउटसाइड टू इनसाइड हुआ तो आपको कितना मिला। तो ये बड़े इंफॉर्मेटिव चीज़ है और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये आपके एक
तरीके का सोल है, सोल कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का. दिस इज कॉल्ड द सोल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर. तो 10 मिलेगा डेफिनेटली, तो हमें 10 मिला, जीरो नहीं 10 मिला. तो हम जैसे ही मुलाकात, तो हमारी 10 से मुलाकात हो गई, आउटपुट हमारा 10 आ गया. तो दोस्तों इसमें दो तरीके के रूल्स यूज हुए. पहला रूल्स ये यूज हुआ कि हमें लिंकिंग करनी है लोकल की एक्चुअल एड्रेस से, और दूसरी हमें क्या करनी है, स्टार लगानी है. स्टार लगाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, स्टार हमारा एक बेल है, वो बेल क्या करेगी, हमें मकान के अंदर से, मकान के बाहर से, मकान के अंदर ले जाएगी. बल बस आपको स्टार हमेशा, जब कभी भी स्टार मिले आपको यही करना है, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन क्लियर हुई सारे लोगों को, क्या हमने पॉइंटर्स के बारे में. अब जरा इसके और डिटेल में आते हैं, कि डिटेल है क्या एक्चुअली में इसका. तो इसका डिटेल देखते हैं कि क्या है. कहानी कितनी थी, कहानी ये थी कि हम एक्स में 10 को रखे हुए थे. तो एक्स के घर में 10 बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, बढ़िया कंफर्ट में आराम से जिंदगी जी रहा था अपनी एक्स के घर में. और ये 10 क्या है दोस्तों, ये 10 डेटा है. हमें मतलब किससे होता है, हमें डेटा से मतलब होता है, ठीक है, हमें डेटा से मतलब होता है. हमें अल्टीमेटली डेटा तक पहुंचना है, लेकिन डेटा तक पहुंचने के दोस्तों दो तरीके हैं हमारे पास. क्या, या तो हम एंट्री 1000 की हेल्प से करें तो भी हम 10 तक पहुंच सकते हैं, या हम एंट्री एक्स की हेल्प से करें तो भी हम 10 तक पहुंच सकते हैं. तो 10 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम एक्स से पहुंच जाएं या हम 1000 से पहुंच जाएं. तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी डेटा को एक्सेस करने के आपके पास दो तरीके आ जाते हैं. उन दोनों तरीकों में से सबसे ऑथेंटिक तरीका होता है कि आप एड्रेस के थ्रू किसी डेटा को एक्सेस करें. तो आप अगर एड्रेस के थ्रू डेटा को एक्सेस करें, अब एड्रेस के थ्रू डेटा को एक्सेस आप तभी कर सकते हैं जब इस एड्रेस को आप कहीं स्टोर कराएं. तो स्टोर कराने के लिए पहले आप जगह बनाएं, एक घर बनाएं. आपने घर बना लिया, घर बना के इस 1000 को दोस्तों इसमें रख दिया. जैसे ही आपने घर बना के 1000 इसमें रखा, तो लोकल से एक्चुअल की तरफ एक पॉइंटर क्रिएट हो गया दोस्तों. इसी को पॉइंटर, ये है पॉइंटर. तो एक्चुअल में आपका पॉइंटर दोस्तों क्या है, एक्चुअल में आपका पॉइंटर ये है, ठीक है. तो आपका हर एड्रेस एक पॉइंटर होता है. अभी हम इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, आपको क्लास में बहुत मजा आएगा और मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा. तो ये जो 1000 है, ये 1000 क्या है, ये 1000 एक्चुअल है. ये 1000 आपका ये लोकेशन, इस लोकेशन से आप इसमें एंटर कर जाएंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. अब इस लोकेशन का नाम क्या है, पी. तो अब कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई इसमें कि पी पॉइंट कर रहा है एक्स को, ठीक है, पी पॉइंट कर रहा है एक्स को. सिंपल सी बात ये हुई. और एक्स में क्या पड़ा हुआ है, इंटीजर. सॉरी, पी पॉइंट कर रहा है एक्स को और पी में पड़ा हुआ है 10. तो यहां पर देखो, पी पॉइंट कर रहा है किसी इंटीजर को, तो P इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, इसलिए P इंट स्टार P है. तो P जिसको पॉइंट करेगा वही P का टाइप हो जाएगा. तो P अगर 10.3 फ्लोट को पॉइंट करेगा तो P स्टार फ्लोट हो जाएगा, ठीक है. P अगर कैरेक्टर को पॉइंट करेगा तो P का टाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा. अगर P किसी 10 को पॉइंट करेगा तो पी का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा. तो हमेशा ध्यान रखना, इसको पढ़ने कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पी इज ए वेरिएबल, इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल, फाइनली पॉइंट्स टू इंटीजर, फाइनली पॉइंट्स टू इंटीजर. सो पी इज ए वेरिएबल, इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल, फाइनली पॉइंट्स टू इंटीजर. अब आते हैं हम दूसरे प्रोग्राम पर अपने. सो जस्ट we start to the second program, int x equal to 10, x equal to 10, int star p equal to address of x, and p star plus plus this, and now x plus 1 equal to x, this
and printf %d, what is x? So what is the output? तो ये आउटपुट आपको देखना पड़ेगा. इस आउटपुट के लिए मैं इस प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन रन कराता हूँ. तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई x से, तो x के लिए एक घर बना लो. x के लिए आपने एक घर बनाया और उस घर का एड्रेस आपने 1000 दिया, उसमें रहने वाला 10. अब आपने p से आपकी मुलाकात हुई, तो p एक स्पेशल आदमी है, तो p के लिए भी एक घर बनाया और उसको आपने एक एड्रेस दिया 2000. और p में क्या रख रहे हैं आप? एड्रेस ऑफ x रख रहे हैं. What is address of x? Address of x is 1000. तो आपने 1000 यहाँ पर put कर दिया. अब आप pointer का पहला rule याद करेंगे. दोस्तों pointer का पहला rule क्या है? This is a local address, this is actual address. तो local से actual की तरफ क्या create कर देंगे? एक arrow create कर देंगे. तो local से actual की तरफ एक arrow create कर देंगे. Local से actual की तरफ एक arrow create हो गया. तो pointer का first rule satisfy हो गया. अब हम कहां पर आए दोस्तों? इस स्टेटमेंट पर आए. इस स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या रीड करेंगे? पी को रीड करेंगे. तो पी को रीड करने पर हमें क्या हुआ? 1000, है ना. किसी भी वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों उसके अंदर की वैल्यू. तो उसके अंदर की वैल्यू हो गई 1000. तो हम अंदर आ गए. लेकिन अंदर आने पर हम लोकल पे ही रहेंगे या एक्चुअल पर आ जाएंगे? तो हमारे पास एक लिंक लगा हुआ है, तो इस लिंक की हेल्प से हम एक्चुअल पर टारगेट कर लिया. तो एक्चुअल पर हमने टारगेट कर लिया. अब एक्चुअल पर टारगेट करने के बाद हमें क्या करना है? स्टार मिला. हमारी मुलाकात स्टार से हुई. सो हमारी मुलाकात स्टार से हुई. सो मूव आउटसाइड टू इनसाइड. मूव आउटसाइड टू इनसाइड इज 10. सो मूव आउटसाइड टू इनसाइड इज 10. तो हम 10 से मिल गए. 10 से हमारी मुलाकात हुई. हालचाल पूछे हमने 10 से. लेकिन जैसे ही हमने हालचाल पूछे, इसमें प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट और मिल गया हमको. जैसे ही प्लस प्लस इंक्रीमेंट मिल गया, वैसे ही प्लस प्लस इंक्रीमेंट होने से ये हो गया 11. ये हो गया 11, ठीक है. तो 11 होने से x के अंदर 11 हो गया. लेकिन ध्यान दे दीजिए आप, x के अंदर की वैल्यू p के थ्रू चेंज हो रही है. तो पॉइंटर क्या होता है? एक तरीके से रिमोट है. आप रिमोट में कुछ एक्सेस करेंगे. अगर आप रिमोट में एक्सेस करेंगे तो रिमोट डायरेक्ट जो है वो x में चेंजेस कर देगा. तो p, x का रिमोट p के हाथ में आ गया. तो x का रिमोट दोस्तों p के हाथ में आ गया है. तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि हमने p की हेल्प से x की वैल्यू चेंज कर दी. तो हम एड्रेस से x के घर में एंटर कर गए. तो हम एड्रेस से नीचे के दरवाजे से x के घर में एंटर कर गए. तो अब यहाँ पर 11 आया. अब हमने x की वैल्यू दोस्तों रीड की. तो x के नए घर में कौन नया मेहमान रह रहा है? नया मेहमान 11 रह रहा है. तो 11 प्लस 1 12. तो x में अब 12 अपडेट हो जाएगा. तो x में दोस्तों 12 अपडेट हो जाएगा. नाउ परसेंट डी x तो अपडेट होके आ जाएगा 12. तो अपडेट होके आ जाएगा 12. सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ x इज 12. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम स्टडी कर सकते हैं बहुत आसानी से किस में? पॉइंटर्स में. अगर हम इसको और थोड़ा इलेबोरेट करें और थोड़ा बड़े लेवल पर आए, तो मेन int x equal to 10, int y equal to 20, int star p1 star p1 and this, and int star p2 this, and p1 equal to address of x and p2 equal to address of y, and star p2 plus 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 1 goes to star p1, and now x plus star p2 goes to star p2. Now find out the printf value in %d, comma p1 star x comma y, x %d x comma y, x comma y. So this is the thing. So the question is clear.
So this is the two time of percent d x comma y. So I want to print the value of x comma y. ये एक मेरा छोटा सा कोड दिया हुआ है, थोड़ा सा मैंने कोड को और कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड कोड को सॉल्व करिएगा, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर हम पॉइंटर्स के दोनों रूल को बहुत आसानी से ध्यान में रखेंगे, उन रूल्स को हम नहीं भूलेंगे। पहला रूल लोकल से एक्चुअल की तरफ लिंकिंग, ठीक है। दूसरा रूल क्या होगा दोस्तों, दूसरा रूल होगा स्टार का मतलब मूव आउटसाइड टू इनसाइड, मूव आउटसाइड टू इनसाइड। तो परसेंट डी एक्स कॉमा बाय, चलो स्टार्ट करते हैं। मुलाकात हुई एक्स से, तो एक्स के लिए घर बनाया, 10 को रख दिया, 1000 एक एड्रेस ले लिया। फिर क्या करें, बाई, बाई के लिए घर बनाया, बाई के लिए घर बनाया, 2000 कोई भी एड्रेस दे सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1000 एड्रेस दे सकते हैं, 2000 एड्रेस दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको कुछ भी कर सकते हो। ये एड्रेस कौन असाइन करेगा, ये एड्रेस ओएस असाइन करेगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता होगा कि ये एड्रेस कौन देगा, तो ओएस क्या एड्रेस देगा। हमने आपको समझाने के लिए इस एड्रेस को लिख के आपको दे दिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 1000 2000 बाई के अंदर क्या स्टोर है दोस्तों, तो बाई के अंदर 20 रह रहा है, तो बाई के अंदर 20 रह रहा है, ठीक है। अब हमने दोस्तों क्या लिया, P1, एक P1 का ब्लॉक लिया और एक P2 का ब्लॉक लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास दो लोग, एक P1 नाम का, एक P2 नाम, दो लोग, और दोनों ही पॉइंटर है क्योंकि इन पे स्टार लगा हुआ है। स्टार किस लिए, स्टार का मतलब स्पेशल लोग, ठीक है। स्टार का मतलब कुछ स्पेशल लोग है ना, बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग हैं ये, देखते हैं किस। तो इनका अपना एड्रेस होगा, कितने भी बड़े हों एड्रेस तो इनका भी होगा। 3000 4000 मैंने एड्रेस ले लिया, और P1 में मैंने दोस्तों डाला है एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स 1000 डाला। तो दोस्तों पॉइंटर का रूल नंबर 1, व्हाट विल बी द पॉइंटर रूल नंबर 1, व्हाट विल बी द पॉइंटर रूल नंबर 1, पॉइंटर रूल नंबर 1 इज लोकल टू एक्चुअल लिंकिंग। तो ये देखो, एक डब्बा दूसरे डब्बे से जुड़ गया, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से जुड़ गया। सिंपल देखो, पॉइंटर का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ देना। दो चीजों को अगर आप जोड़ देते हैं बाया एड्रेस, तो वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉइंटर ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिससे डरने की जरूरत है आपको, और जिसमें आपको लगे कि अरे पता नहीं क्या होता है पॉइंटर में। अभी हम देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंटर कोड भी सॉल्व करेंगे, 4 पॉइंटर कोड भी सॉल्व करेंगे, 5 पॉइंटर कोड भी सॉल्व करेंगे, एरे पॉइंटर्स भी करेंगे, पॉइंटर्स एरे भी करेंगे। आप कुछ भी पॉइंटर्स की प्रॉब्लम ले लेना, आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो P2 में अगर हम देखें तो क्या है, P2 में एड्रेस ऑफ बाय, एड्रेस ऑफ बाय दोस्तों कितना है, 2000। तो 2000 को मैंने यहाँ पे रखा, तो फिर से पॉइंटर का रूल नंबर 1, पॉइंटर का रूल नंबर 1 दोस्तों क्या है, पॉइंटर का रूल नंबर 1 है लोकल टू एक्चुअल। तो लोकल टू एक्चुअल मैंने एड्रेस क्रिएट, एरो क्रिएट कर दिया, लिंकिंग हो गई, ये दो डब्बे जुड़ गए। अब दोस्तों इस वाली लाइन पर आओ, इस वाली लाइन पर मैंने क्या लिखा है, P2 स्टार प्लस प्लस, प्लस 1 चलने का कोई मतलब नहीं है, तो P2 पर आएंगे। तो P2 पर हम जैसे ही आए, P2 क्या हुआ, P2 की वैल्यू हुई दोस्तों 2000 हम लोकल से एक्चुअल पर आ गए, ये हमारा टारगेट था 2000। फिर हमने दोस्तों स्टार लगाया, तो स्टार लगाने से मूव आउटसाइड टू इनसाइड, तो हम 20 से मुलाकात हुई, तो हम 20 यानी हम बाई के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर हम बाई के अंदर पहुंच चुके हैं तो फिर हमको किससे मुलाकात हुई, प्लस प्लस से। तो बाई के अंदर पहुंचकर हम इसको क्या अपडेट करते हैं, 21 अपडेट करते हैं। तो बाई के अंदर पहुंच के इसको हमने 21 अपडेट कर दिया। आप बाई के घर में इक्कीस आराम से रह रहा है, 20 खत्म हो गया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो ओवरनाइट हो गया। अब इस 21 में एक और जोड़ दें, तो इस 21 में यानी इतनी चीज तो हो गई आपकी 21, ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट वाला पूरा हो गया 21, इसमें प्लस 1 और जोड़ दो तो ये हो गया 22। तो ये 22 पूरा कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है P1 स्टार में दोस्तों। ये 22 पूरा कहाँ जा रहा है, तो ये 22 जा रहा है पूरा दोस्तों P1 स्टार, ठीक है। तो ये 22 जा रहा है P1 स्टार में, P1 स्टार देखते हैं, खोजते हैं कि P1 स्टार है कहाँ। तो सबसे पहले P1 स्टार के लिए P1 पर आते हैं, तो P1 क्या है, 1000, लोकल या एक्चुअल, एक्चुअल, स्टार लगा दो दोस्तों P1 स्टार। तो मूव आउटसाइड टू इनसाइड मींस इनसाइड लोकेशन ऑफ एक्स कॉल्ड स्टार पी। ये तो समझ में ही आ गया होगा, जैसे ही बेल दबाई, बेल दबाने पे आप एक्स के अंदर आ गए, जैसे आप एक्स के अंदर आए, एक्स के घर में आपको एंट्री मिल गई, अब आप एक्स के एरिया में जो चाहे कर सकते हैं, तो आप इस एरिया में आ गए। तो ये जो 22 रखने जा रहे थे, 22 रखने जा रहे थे, वो आप कहाँ रखेंगे, किस एरिया में रखेंगे, तो आप 22 किस एरिया में रखेंगे।
तो आपने 22 को इस एरिया में रख दिया, एक्स के एरिया में रख दिया। ये बहुत आसान सी बात आ गई आपको समझ में कि एक्स के अंदर 22 हो गया, लेकिन उससे पहले वाई के अंदर 21 हो गया था। अब हम नीचे वाली लाइन में आए, नीचे वाली लाइन को अगर आप देखने जाते हैं तो हमने एक्स और स्टार पी टू को यूज किया है। आप चाहे एक्स ले लेना, चाहे स्टार पी टू ले लेना, आप कोई भी एक्सप्रेशन रन कर सकते हैं। सी इस मामले में साइलेंट होती है। तो हमने एक्स लिया, एक्स दोस्तों कितना है, एक्स जरा रीड करें तो एक्स के घर में हमारी मुलाकात हुई 22 से, तो एक्स को हमने 22 कर दिया प्लस। अब हमने P2 स्टार रीड किया, दोस्तों P2 स्टार कितना है, ऑलरेडी आप जानते होंगे कि P2 स्टार कितना है। तो P2 स्टार हमने देखा था कि P2 स्टार ऑलरेडी P2 स्टार बाई का घर है। P2 स्टार का मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई का घर, द हाउस ऑफ बाई, हाउस ऑफ बाई। शायद समझ में भी आ रहा होगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो बाई का घर है, बाई के घर में 21 है। तो 22 प्लस 21 43, और 43 जा कहाँ रहा दोस्तों, P2 स्टार में। और फिर मैंने कहा P2 स्टार है क्या, हाउस ऑफ बाई, हाउस ऑफ बाई है P2 स्टार। तो 43 यहाँ पर आ गया दोस्तों। तो अब देखने जाओ आप तो आउटपुट कितना निकलेगा, तो आउटपुट निकलेगा दोस्तों 22.43। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन 22.43। तो क्लियर हो रहा है सारे लोगों को, क्लियर हो रहा है सारे लोगों को, जितने लोग लाइव हैं उनको क्लियर हो रहा है, उनको बात कनेक्ट हो रही है, पकड़ में आ रही है कैसे क्या हो रहा है। एवरीबडी प्लीज टेल मी योर फीडबैक दैट यू आर कनेक्टिंग टू माय कॉन्सेप्ट और यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो प्लीज टेल मी यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, देन आई विल फर्दर गो फॉर द नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट काइंड नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो टेल मी वेदर दिस इज यू आर क्लियरिंग दिस डाउट थिंग्स और नॉट, बिकॉज योर आंसर्स योर टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सो आई एम डिलीवरिंग, दैट्स व्हाई। ठीक है, आप बाद में पूछ लेना मेरे से 21 कैसे आया, 21 कैसे आया, 21 इसलिए आया P2 स्टार प्लस प्लस हो गया था। P2 स्टार प्लस प्लस का मतलब P2 स्टार द हाउस ऑफ बाई, हाउस ऑफ बाई के अंदर प्लस प्लस कर दिया तो एक और जुड़ गया तो 21 आ गया। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, P2 स्टार का मतलब क्या हुआ, हाउस ऑफ बाई हुआ और हाउस ऑफ बाई में प्लस प्लस कर दिया। हाउस ऑफ बाई में पहले 20 था और फिर उस पर प्लस प्लस ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट लगा दिया तो 20 से अपडेट होके कितना हो जाएगा, 20 से अपडेट होके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। बस आपको बस ये देखना है कि P1 स्टार हाउस ऑफ X है, P2 स्टार हाउस ऑफ Y है। तो आगे बढ़े, तो अब आगे आते हैं, है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं डबल पॉइंटर पे, डबल पॉइंटर। तो ये P2 equal to address of P1 है, मैंने यहाँ पर printf दिया है, printf दिया है percent 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 oh sorry percent d comma comma percent d comma star star P2। ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी important बात है कि ये मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ। तो just Listen it. So X वही बात, X से मुलाकात हुई, एक बढ़िया सा घर बना दो, X का 10 रख दो इसमें, 1000 इसका एड्रेस असाइन कर दो। फिर P1 एक वेरिएबल है, P1 एक वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है, है ना, इसका भी अपना एक एड्रेस होगा। फिर देखो ध्यान से P2 क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल पहले है ना, जैसे प्रधानमंत्री भी अगर देखोगे तो इंसान पहले है, प्रधानमंत्री बाद में। तो स्पेशल इंसान है ये अलग बात है,
तो उस स्पेशल को पहचानने के लिए हमने देखो यहाँ पे टू स्टार लगा रखा है ना, तो दिस इज द टू स्टार प्रॉब्लम, वन स्टार प्रॉब्लम। सो ये हमने इसका नाम P2 दे दिया और इसका हमने एड्रेस 3000। आप कोई भी एड्रेस ले सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यू कैन टेकिंग एनी काइंड ऑफ एड्रेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये कहा कि चलो भाई लेट्स स्टार्ट करते हैं इससे काम, टेबल पे एड्रेस ऑफ एक्स रख देते हैं। तो एड्रेस ऑफ एक्स 1000 था, जैसे ही 1000 तक का, दोस्तों याद करो पॉइंटर का पहला रूल क्या था, दोस्तों पॉइंटर का पहला रूल लोकल से एक्चुअल की तरफ लिंक कर दिया। ठीक, अब P2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1, तो P1 का एड्रेस 2000 है, 2000 यहां पर रख दिया, तो फिर हमने लोकल से एक्चुअल की तरफ क्रिएट कर दिया। तो ये दोस्तों हमारी क्रिएशन हो गई और ये हमारा दोनों, अब हमारे तीन बॉक्स आपस में ऐड हो गए, तीनों बॉक्स आपस में जुड़ गए। तो तीन बॉक्स को जोड़ने के लिए देखो दो रस्सियों की जरूरत पड़ी है, तो दो रस्सियों की वजह से ही हमारा ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, अभी इस पर भी बात करेंगे डिटेल में। तो तीनों डब्बे आपस में जुड़ गए। अब बड़ी आसान सी बात है कि अगर P2 से P1 पे पहुंचा जा सकता है और P1 से X पे पहुंचा जा सकता है, मैं अगर ये कहूं कि P2 से P1 पर पहुंचा जा सकता है और P1 से X पे पहुंचा जा सकता है, तो फिर फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि P2 से X पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात बस यहां पे हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट इट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट पर आते हैं, %d स्टार स्टार P2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2? P2 इज 2000, 2000 मींस लोकल और एक्चुअल, लोकल और एक्चुअल, एक्चुअल, तो डॉट करके यहां पर आ गए। दोस्तों पहले स्टार से आपकी मुलाकात हुई, तो पहली बार बेल बजाओ, स्टार मूव आउटसाइड टू इनसाइड, बेल बजेगी घर के अंदर एंट्री मिलेगी। तो आपने बेल बजाई, घर के अंदर एंट्री मिल गई, घर के अंदर एंट्री मिल गई, तो आप 1000 से मुलाकात हुई आपके। 1000 से मुलाकात होने के बाद आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, एक्चुअल पर भेज दिया जाएगा। तो आप एक्चुअल पर फिर आ गए, एक्चुअल पर फिर आ गए, तो आपको क्या हुआ, फिर आपकी मुलाकात हुई एक स्टार से। तो एक स्टार का मतलब क्या हुआ, मूव आउटसाइड टू इनसाइड, मूव आउटसाइड टू इनसाइड, तो ये हो गया 10। तो आपकी मुलाकात हुई 10, तो ये 10 आ गया, तो ये आपका आउटपुट जो दोस्तों है वो 10 आया। लेकिन कैसे आया, दो बार बेल बजाने के बाद आया, एक बेल आपने इसमें P1 में बजाई और एक बेल आपने X में बजाई। तो ध्यान रखना, दो बेल बजाने के बाद ये आपका आउटपुट आया। तो सबसे पहले ये बताओ ये आउटपुट समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया हो तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊं और फिर फर्दर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करूं। तो पहले मुझे टेक्स्ट करें कि ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई, तो पहले मुझे टेक्स्ट करें कि ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई, ये डबल पॉइंटर वाली प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे टेक्स्ट करें कि ये डबल पॉइंटर वाली प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि समझते हुए चलना है ना, क्योंकि अगर आपका आप YouTube पे लाइव है, दैट्स व्हाई YouTube पर। हाँ जी ठीक है, तो अब मैं जरा इसको बताता हूं कि ये डबल पॉइंटर क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाई इट इज ए डबल पॉइंटर। देखो P2 पहुंचा P1 के पास और P1 पहुंचा X के पास, P2 P1 के पास पहुंचेगा एक स्टेप चल के, यानी एक स्टार लगा के, और P1 पहुंचेगा X के पास एक स्टार लगा के। तो ध्यान से दोस्तों देखो, इसीलिए P1 सिंगल स्टार है और P2 डबल स्टार है। ठीक, और क्या कह रहा है P2? P2 कह रहा है कि मैं भी X की वैल्यू को निकाल लूंगा, यानी X के अंदर जो रखा हुआ 10 था वो भी मैं निकाल लूंगा, यानी P2 से 10 एक्सेस किया जा सकता है। तो आप दो स्टेप में X तक पहुंच पा रहे हैं। और अगर आप यही चीज तीन स्टेप में कर रहे होते, कि मतलब अगर एक X होता और आपको तीन स्टेप चलने पड़ते, तो दोस्तों ये क्या बन जाता? तो दोस्तों अगर क्या बन जाता, ये X है और X को तीन स्टेप में हम एक्सेस कर रहे हैं, तो तीन स्टेप में एक्सेस करने के बाद ये X क्या बन जाता, ये हमें देखना है। तो ये आप बताएंगे, ये आप हमें बताएंगे क्या बन जाता है, ये कौन सा पॉइंटर होता है, नंबर ऑफ पॉइंटर्स क्या होते हैं इसमें, नंबर ऑफ पॉइंटर्स इसमें क्या होते हैं। इफ वी आर एक्सेसिंग ए वैल्यू बाय थ्री एरोज और थ्री स्टेप्स, व्हाट विल बी द पॉइंटर, फॉर्मेट ऑफ द पॉइंटर। सो टेल मी द एवरीबॉडी, टेल मी एवरीबॉडी, व्हाट विल बी द आंसर इफ आई एम एक्सेसिंग एक्स बाय थ्री स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3।
then what will be it? What will be it? Three pointer. So definitely, if this is the P3, this is the P2, and this is the P1. So via this, this is this. One star needed, one star needed, one star needed. So the three star needed in P3. So in P3, three star is needed. So you can say that, you can say that, sir, if I am using in N star P, suppose hypothetically, I am using N star P, means I am using N star here. So how many steps you require to access some data? So how many steps are required to access a integer data via this P? Via this P. So there is a problem int, there is a variable small n star, and there is a variable P. This is hypothetical. It is not possible or valid in C syntax, but I'm just explaining. Ye aapko aur samajh mein aaye. To aapko kitne step ke baad is P se integer mil jata. Is P se integer mil jata. To aapko P se n step ke baad integer mil jata. तो कभी भी आपका जो ये पॉइंटर लिखा होता है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि P से दो स्टेप के बाद इंटीजर रखा मिल जाएगा. P से दो स्टेप के बाद इंटीजर मिल जाएगा. अगर कोई कुछ ऐसा लिखा हुआ है इंट स्टार 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 P, तो इसका क्या मतलब होगा, P से तीन स्टेप के बाद इंटीजर मिल जाएगा. अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है फ्लोट स्टार स्टार पी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी से दो स्टेप के बाद फ्लोट मिल जाएगा. कोई एक फ्लोट डेटा होगा 2.3 और ये पी होगा और पी दो कदम चलेगा और 2.3 आपको मिल जाएगा, 2.3 आपको मिल जाएगा. तो ये बड़ी छोटी सी चीज है, इसमें कुछ बहुत नया तो मैंने आपको बताया नहीं है, है ना. कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर ट्रिपल पॉइंटर फोर पॉइंटर को समझ सकते. अब मैं बस एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोड डिस्कस करने वाला हूं. तो वो इंपॉर्टेंट कोड क्या है, मेन इंट एक्स इक्वल टू 10 एंड इंट स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स function address of x printf printf. ये बहुत ही अच्छा कोड है, मजा आएगा आपको. percent d and x function f void int star p int x equal to 10 star p plus plus and now this and star p plus x equal to x now printf now printf 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 percent dx. ये कोड से हमारा पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो आपको मजा आएगा. ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका जरा आउटपुट एक बार आप लोग चेक करें खुद से क्या आएगा, फिर मैं थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. ये एक बार आप आउटपुट चेक करें तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. इस आउटपुट में दोस्तों करना क्या है, इंट एक्स इक्वल टू 10. सबसे पहले इसमें ये देखो कि कितने फंक्शन यूज हो रहे हैं. तो इसमें दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक मेन फंक्शन यूज हो रहा है और एक एफ यूज हो रहा है. तो दो लोगों की जायदाद है यहाँ पे, दो लोगों की प्रॉपर्टी है. अब दो लोगों की प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो दो लोगों में बांट दो. एक प्रॉपर्टी यानी एक मेन का इलाका हो जाएगा और एक प्रॉपर्टी एफ को दे दी जाएगी. तो दोस्तों एक इलाका मेन का होगा, एक इलाका एफ का होगा. बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा दो फंक्शन यूज हो रहा है. जितने फंक्शन यूज होंगे उतनी हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, उतने हमारे एरिया होंगे, उतनी हमारी
इलाके होंगे। अब जिस इलाके के लोग हैं वो उसी इलाके में जाएंगे, तो मेन के इलाके का एक्स, मेन के इलाके का पी, वो मेन के इलाके में होगा। ध्यान रखना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्स में 10 है और पी में दोस्तों कितना रखा हुआ है, 1000 रखा हुआ है, और ये एक्चुअल से लोकल से एक्चुअल एरो क्रिएट कर दिया और ये वाला स्टेटमेंट रन हो गया। ये वाला स्टेटमेंट रन होने के बाद हमने क्या किया, एफ में एड्रेस ऑफ एक्स पास किया। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एक्स, तो एड्रेस ऑफ एक्स इज 1000। सो हमने पास किया दोस्तों 1000। 1000 दोस्तों डेटा है या स्पेशल डेटा है, मतलब एड्रेस है या डेटा है, ये हमें सोचना है कि 1000 जो है वो डेटा है या एड्रेस है। सो ये एक एड्रेस है, ये एड्रेस है, और एड्रेस को रखने का काम वीआईपी लोग करते हैं। एड्रेस को हर कोई नहीं होल्ड कर पाता, एड्रेस को पॉइंटर्स होल्ड कर पाते हैं, वीआईपी लोग होल्ड कर पाते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया कि जैसे ही हम एफ में आए, अगर आप एफ में आओगे तो आप एफ के इलाके में देखो कितने लोग हैं, तो एफ के इलाके में एक ये पी चमकता हुआ दिख रहा है, ये एक एक्स चमकता हुआ दिख रहा है। तो एफ के इलाके में एक पी चमकता हुआ दिख रहा है तो पी के लिए एक घर बना दो, और एक एक्स दिख रहा है इस एक्स के लिए घर बना दो। और डेफिनेटली मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि ये एक्स मेन के इलाके का है, ये पी मेन के इलाके का, ए एक्स इस एक्स से अलग है, ये पी इस पी से अलग है ना। ध्यान रखना जितने फंक्शन होंगे साथ सबके एक्स अलग होंगे, सबके पी अलग होंगे। तो मैंने इनका एड्रेस भी अलग दे दिया, 3000 दे दिया और 4000 दे दिया, लाइक दैट। तो 3000 और 4000 मैंने ये दे दिया। अब 3000 4000 में दोस्तों ऊपर से क्या फेंका गया, एफ फंक्शन ने क्या थ्रो किया, तो एफ फंक्शन ने दोस्तों थ्रो किया 1000। तो एफ फंक्शन ने 1000 अगर थ्रो किया है दोस्तों, तो नीचे कैच करने के लिए जगह भी होनी चाहिए ना। जैसे अगर बॉल आती है तो हम हाथ की शेप ऐसी करते हैं कि वो बॉल हमारे हाथ की शेप में कैच हो जाए, वरना कैच नहीं होगी। तो अगर ऊपर से 1000 थ्रो किया गया है तो नीचे जगह भी होनी चाहिए। तो देखो ये जगह हमने पी का बॉक्स बना के रखा है, और पी का बॉक्स में आ गया ये 1000, ठीक है। और चूंकि ये 1000 स्पेशल चीज है, एड्रेस है, इसीलिए इसको पॉइंटर बनाया हमने, क्योंकि एड्रेस को हर कोई नहीं रख सकता, एड्रेस को पॉइंटर रख सकते हैं केवल। तो एड्रेस तो लोकल से एक्चुअल की तरफ एरो क्रिएट कर दिया। अब इसके एक्स की बात करें तो ये एक्स है दोस्तों एफ का एक्स, तो एफ के एक्स में 10 रख दो। अब दोस्तों इसके पी की बात करें तो एफ का पी है, ये एफ के इलाके का पी है, तो एफ के इलाके के पी में गए 1000, लोकल से एक्चुअल डॉट स्टार, स्टार आपने लगाया तो दोस्तों मूव आउटसाइड टू इनसाइड 10, नाउ प्लस प्लस 11, ये हो गया आपका दोस्तों 11, ठीक है। तो x के अंदर अपडेट हो गई वैल्यू 11, लेकिन किसके x के अंदर, मेन के x के अंदर दोस्तों अपडेट हुआ, मेन के इलाके का x अपडेट हुआ है, ना कि f के इलाके का x अपडेट हुआ है। तो मेन के इलाके का x अपडेट हो गया है, तो आपने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद दोस्तों फिर नीचे आए, नीचे क्या लिखा हुआ, स्टार पी मींस हाउस ऑफ x, कौन सा हाउस ऑफ x, मेन इज 11, सो 11 हो गया प्लस, लेकिन दोस्तों ये वाला कौन सा x, तो ये वाला x दोस्तों f का x, जिसके इलाके में खड़े हो उसी का x, तो उसी का x कितना हुआ दोस्तों 10, तो 10 प्लस 11 21 goes to again x, किसका x, f के इलाके का x 21। तो पहला प्रिंट एफ किया परसेंटी x, किसका x, f का x 21, तो आउटपुट 21। तो ये कोड यहाँ से कंप्लीट हुआ। फिर हम आ गए प्रिंट एफ परसेंटी x में, ये x दोस्तों किसके इलाके का है, ये x है दोस्तों मेन के इलाके का, मेन के इलाके में x में कितना रह रहा है, कौन रह रहा है, 11 रह रहा है, तो ये 11 रह रहा है, तो 21। तो ये कोड समझ में आया। So please tell me, this code is very clear or not?
this code is very clear or not. Everybody text me, this code is clear or not. If this code is clear, now the if this code is clear, so बस अपने अपने इलाके देखते जाना है, जिसके इलाके पे जो लोग हैं उसके इलाके में रख देने हैं, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, उतना काम आपको उठा के कर देना। तो दोस्तों आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं 3-4 दिन से फीवर आ रहा, मुझे कोरोना वाला प्रॉब्लम नहीं है बट मैं थोड़ा सा धूप और उसकी वजह से हो गया था मुझे, धूप में मैंने कुछ धूप में चल के फिर ठंडा पानी पी लिया था, दैट्स व्हाई। तो अभी मैं सेशन को यहीं पर थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, आप लोग अपना फीडबैक दे दें, आप अपना फीडबैक टेक्स्ट करके मुझे बताएं, फिर इसके बाद हम अपना सेशन क्लोज कर लेते हैं, थोड़ा आपको और गाइड कर देंगे ब्रीफ में, कुछ बाद में 5 मिनट की बात और कर लेंगे। तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक को शेयर करें मेरे से कि आपका फीडबैक क्या रहा है इस सेशन को लेके, पॉइंटर्स को लेके, फिर हम आगे इस प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम लोग सी कवर करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे, एल्गोरिथम कवर करेंगे। सबसे पहले आप एक बार अपना फीडबैक दे दें, फिर हम बात करते हैं। समय कम है थोड़ा सा, मैं भी और बहुत बात करूंगा। My number is 1 और अपनी मेल आईडी भी लिख दी है, तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पर आप पूछ लीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो अभी आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रेस्पॉन्स कर दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स पर आप टाइप कर दें, चैट करें, तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। या आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, 5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स मंजू सर, अनुराज सर, थैंक्स अनुराज सर। कोई भी आपका क्वेश्चन हो हम ले सकते हैं, आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं अभी? अवेलेबल कहाँ, अभी तो कॉलेज ही नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब कॉलेज होगा तब डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल, जब आपका इन कैंपस स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, आई विल बी अवेलेबल। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? प्रैक्टिस आपको पहले पढ़नी है पूरी सी, पॉइंटर्स के बेनिफिट्स क्या है? पॉइंटर्स के बेनिफिट्स हैं मेमोरी को एक्सेस करना, मेमोरी का एक्सेस होती है पॉइंटर्स से,
एड्रेस मेमोरी एक्सेस कैसे करेंगे आप बिना पॉइंटर के? वेरिएबल से मेमोरी एक्सेस नहीं होती है, आप मशीन के लेवल पे जाएंगे तो कभी भी मेमोरी एड्रेस से ही एक्सेस होती है, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉइंटर। हाँ जी, आपके कॉलेज की बात आप कॉलेज की अथॉरिटी से कर लेना, वहां से मैं बता दूंगा कि आप मैं अवेलेबल हूँ। Why we need pointer? वही बता रहा ना, मेमोरी एक्सेस कैसे करोगे बिना पॉइंटर्स के? बिना पॉइंटर्स के आप मेमोरी कैसे एक्सेस करोगे? आप रैम में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर तो ये डेटा है वो कैसे एक्सेस करोगे? तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते अगर आपके पास पॉइंटर्स नहीं है, क्योंकि आपका सोर्स कोड है ये। सोर्स कोड के नीचे अगर आप जाओगे तो पैरेलल में क्या होगा? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेशन सुना, बहुत अच्छे से पूरा सेशन किया, और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है फिर, थैंक यू सर, थैंक यू तलवार सर, थैंक यू तलवार सर वेरी मच। ओके, गुड बाय। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।